वेल हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो पे अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ बुक शेल्फ। तो ये मेरा पहला वाला बुक शेल्फ था, तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए। तो पहला वाला है, तो मैं इसको रिप्लेसमेंट करने के लिए ये नया वाला खरीदा। तो ये पूरा मॉडर्न लुक के लिए है और ये ओल्ड फैशन था। तो मेरा रूम में ग्रे कलर है, तो इसलिए मैंने ग्रे कलर का ऑर्डर किया नया एक बुक शेल्फ। अब इसको खोल के देखते हैं। ये कहाँ से खोलता है मुझे भी नहीं पता, स्टेपल मार दिया जगह जगह पे। तो यहाँ पे अंडर का देख लीजिए, कुछ ऐसा टाइप है। तो ये सब जॉइंट्स है इसका। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आप इसमें हेवी सामान रख सकते हैं, बस शौक के लिए है। अगर आपको बहुत कम बुक है तो आप रख सकते हैं, अगर आप स्कूल स्टूडेंट है तो आपके लिए नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुक होता है स्कूल वाले। तो यहाँ पे ये सब प्लास्टिक का पीसेस है और यहाँ पे रॉड्स है। तो ये सब लंबा लंबा रॉड, तो ये ऐसा टाइप के लिए है और एक खड़ा करने के लिए छोटा रोड है। तो यहाँ पे देख लीजिए सब छोटा रोड। और यहाँ पे आपको फैब्रिक मिल जाता है जो कोवर होता है पूरा। तो इसका ब्रांड है फूडी ऑन, तो फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय ब्रांड का भी आता है। तो आप लोगों को पता ही है कि ये सब का एक ही खेल है कि ये सब रीब्रांडिंग होता है। तो इसका क्वालिटी आप देख सकते हो, तो ये फोकट में मिलने वाला बैग जैसा है इसका जो क्वालिटी है, कुछ इस टाइप का है। तो ये फोटो में देखने से लगा था बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बट इसका जो मटेरियल एकदम चीप है। मैंने सोचा था कुछ प्लास्टिक टाइप का मटेरियल होगा, बट ये वो फ्री वाला मटेरियल है जो कोई सस्ता बैग का अंदर आता है और फेंक देते हैं लोग। तो वही टेस्ट कर लीजिए, तो मैं आपको इतना सजेस्ट नहीं करूँगा। पहले सोचा था अच्छा लगेगा रूम पे लगाने से, बट ये चीप सस्ता चीज़ जो ये साइड में लगाने के लिए और ये सब ऊपर। तो अभी इसको असेंबल करते हैं। यहाँ पे रोड है, तो ये भी एकदम मतलब ये शाइनिंग रोड नहीं है, एकदम चीप लगता है ये सब रोड। तो इसमें अब डिसकलर हो गया, तो मतलब जैसे जैसे बना सकते वैसे बना दिया। ये कोई स्टील का भी नहीं है, ये कम दामी लोहा है। और गैस मैंने सोचा था इससे मेरा पूरा काम हो जाएगा, बट नहीं होगा, मुझे प्लाई से बनाना पड़ेगा, नहीं तो प्लास्टिक का खरीदना पड़ेगा कैबिनेट। तो वो परफेक्ट होता है, 2000 का जो शू कैबिनेट मिलता है तो वो अच्छा लगता है ज़्यादा। तो यहाँ पे पाइप में घुसा देना पड़ता है, एक जो ऐसे हो गया ये ऐसे आ जाएगा। तो मैंने सोचा था कि ये चीज अच्छा होगा, थोड़ा स्टील टाइप होगा और ये चीज एक अच्छा मटेरियल यूज होगा, बट एकदम मतलब रस्ते का माल लग रहा है देखने में, जो फुटपाथ में मिलता है वैसा। सो गाइस यहाँ पे देख लीजिए, एक पीस हो गया और अभी ये सब रोड लगाना पड़ेगा। तो ये छोटा वाला रोड है, चार पीस चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको लगाने के लिए सबसे पहले दो पीस ऐसे बनाना पड़ेगा, तो ऐसे दो बना के इसका ऊपर लगा देना पड़ेगा, तो बाकी सब ऐसे ही होगा। सो गाइस अभी मैं इसको लगाने वाला हूँ, तो कुछ इस टाइप का ही देख लीजिए। आपको ये ऐसा लगाना पड़ता है और ये थोड़ा पहले पहले टाइट लगेगा जब आप लगाते हो। तो यहाँ पे देख लीजिए एकदम टाइट होगा, तो ये चीज़ को एकदम सीधा करना है आपको, तो थोड़ा दबाने से आ जाएगा। तो ऐसे देख लीजिए ये लग गया, तो ऐसे आप बाकी पूरा कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हो गया फिट। तो यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे चार पीस है, तो यहाँ पे 3 सेल्फ निकलेगा। और मैं यहाँ पे ऊपर वाला निकालने वाला हूँ, तो मुझे ये प्लेंट लगाने के लिए चाहिए था मेनली, तो बुक रखना सेकेंडरी काम है। तो यहाँ पे प्लेंट लगाना है बहुत सारा, और ये मैं नीचे रख दूंगा, तो यहाँ पे भी कुछ रख सकता हूँ मैं नीचे। और इसका लेवल सेम रखना है, तो ये ज़्यादा ऊपर जा रहा है इसलिए मैं इसको निकाल दूंगा। तो उसका बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसा होता है लुक। सो गाइस यहाँ पे देख लीजिए, मैं इन दोनों को अलग कर दिया, तो मैं इसको ऊपर करके नहीं लगाना चाहता क्योंकि लुक ख़राब हो रहा है उससे। तो ये मैं साइड में भी नहीं लगाऊंगा, मैं इस ये लगा रहा हूँ विंडो का सामने। तो यहाँ पे मैं प्लेंट लगा रहा हूँ, और यहाँ पे भी मेरा काम हो गया प्लेंट लगाने का, और बुक रखने का भी काम हो गया। तो पहले वाला से अजीब लुक आ रहा था, तो मैं ये लगा दिया। तो यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा नीचे, क्योंकि इसका कपड़ा टाइट नहीं हो रहा, तो इसको कुछ करके खींचना पड़ेगा।
तो यहाँ पे मैं प्लाई दे दिया क्योंकि ये इतना मजबूत नहीं है कि ये प्लेन का तो पता ही है सॉइल का वेट होता है, तो ये सब के लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ एक प्लाई का पीस। तो ये काटना पड़ेगा पूरा एग्जैक्ट लेवल में मिल जाएगा, उसके बाद मैं भिनाइल रेड नहीं तो कलर कर दूंगा इसको, तो ये भी मैच हो जाएगा। सो गाइस मैं यहाँ पे वीडियो एंड कर रहा हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए। सो बाय बाय।